मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं और अनीता हैं इस टाइम जूबा साउथ सूडान के अंदर। गुड मॉर्निंग। ये यहाँ का जंक्शन है, यहाँ पे हमेशा रश ही रहता है। ये देखिए सुबह सुबह का रश। आपको मैं इस बार जो ब्लॉग बनाऊंगा, मैं आपको जूबा के बारे में दिखाऊंगा कि जूबा 2024 में किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हुई है पिछले एक साल के अंदर ही। अगर आप देखें, जब अनीता 2022 में आई थी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे यहाँ पे। अब जब आई है तो एकदम से सब चेंज लग रहा है चारों तरफ। सड़कें बहुत सारी बन गई हैं, और बिकॉज एक ही रोड होती थी जहाँ से लोग निकलते थे। अब ये जैसे हम जिस सड़क से जा रहे हैं, ये नई रोड है, तो ये नई रोड इन्होंने बनाई है। पहले गई नहीं थी इस रोड से। हाँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ना इस रोड से। हाँ, तो ये इन्होंने अच्छी लिंक्स बना दी हैं रोड्स के, ताकि लोगों को सुविधा होए। और बट अब ये है कि सीवरेज सिस्टम नहीं है इस देश के अंदर, बिकॉज पानी, ये जो एरिया है ये लो लाइंग एरिया है, थॉम्पिंग एरिया बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पानी जितना भी दूर से पानी आता है सब यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, तो इससे आगे जा नहीं पाता और सबके घरों में पानी घुस जाता है। तो ये बारिश के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में मेरे देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी, ये क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपनी फेंसिंग कर दी है। पहले सारी ऐसी थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़ते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। और यही रास्ता आगे जा रहा है आपका एयरपोर्ट की तरफ। आजकल इस रास्ते पे काफ़ी रश हो गया, बिकॉज लोग ज़्यादा लंबा जाना नहीं चाहते उस 7 डेज़ की तरफ। 7 डेज़ का गुडेले कस्टम साइड निकल जाता है। बिल्डिंग्स आप देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे, और कई कई मंजिल की बिल्डिंग्स बनती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुई है। सो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अपने ट्रैक्टर भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चलते हैं, इंडिया की तरह यहाँ पे भी ट्रैक्टर चलते हैं, बहुत गिने चुने ट्रैक्टर होते हैं। इस टाइम हम लोग हैं लाकोट होटल एंड टक्साना के अंदर, और बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। हवा बहुत बढ़िया चल रही है, और ये रिवर नाइल का नज़ारा आपको हमेशा नज़र आता ही है जब भी हम यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली पीछे बारिश वगैरह काफ़ी हुई है, तो उससे फ्लो जो है पानी का काफ़ी बढ़ गया है, और पानी का लेवल देखिए यहाँ तक टच हो रहा है। थोड़े टाइम के बाद कहते हैं कि ऊपर तक आ जाएगा ये। और खूबसूरत नज़ारा तो यहाँ पे होता ही है, और भी खूबसूरत हो गए हैं क्योंकि अनीता यहाँ पे आ गई है। सो शी इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग साउथ सूडान आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज 2022 के अंदर यहाँ पे आई थी। इस रैंप पे वॉक करो ना, नीचे तो नहीं जाएगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बोट की भी आप मज़े ले सकते हैं, बिकॉज ये लेते हैं यहाँ से, मेरा ख्याल से $300 लेते हैं आधे पौने घंटे का। और किसी दिन जाएंगे इसके अंदर भी, और हाँ इसके अंदर किसी दिन जाएंगे और दिखाएंगे आपको रिवर नाइल कैसे होता है बोट के अंदर भी। सो अभी निकलते हैं यहाँ से। डर ही लग रहा है कहीं डूब गई ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं जाके मिलूंगी। नहीं, उससे पहले और भी कंट्रीज आती हैं, वहाँ पकड़ लेंगे जाके। रिवर नाइल है, 10-11 कंट्री से होके गुजरती है, जो इसका सोर्स है, सोर्स ऑफ नाइल युगांडा में। वैसे तो पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो है, कई कहते हैं युगांडा में, कई कहते हैं तंजानिया में, बट हम युगांडा में हमने देख लिया था। तो सोर्स ऑफ नाइल तो वहीं दिखाते हैं युगांडा के अंदर, बाकी इसका कोई अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं है कहाँ से निकलती है कहाँ से नहीं। सबसे लंबी रिवर है, और इसको यहाँ पे व्हाइट नाइल भी बोलते हैं, बिकॉज इसका पानी अभी व्हाइट है और आगे जाके ब्लू नाइल हो जाती है। आज नहीं है व्हाइट, नहीं इसको व्हाइट ही बोलते हैं एक्चुअली ये लोग ना, बिकॉज क्लियरिटी है इसके अंदर ना, आगे जाके नीली हो जाती है ये। तो इस करके उसका नाम पड़ जाता है ब्लू नाइल वहाँ पे। इजिप्ट साइड में जब जाती है, खारतूम साइड जब जाती है, तो इसको ब्लू नाइल बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का कुकिंग निकालने वाले हैं यहाँ पे, आपको इंडिया की चीज़ें मिलेंगी। मतलब इन्होंने दो टाइप की बनाई है, इंडिया के लिए ऊपर एक चाइना का है, कीनिया का है और इथोपिया का है। बट हम इसका वेट कर रहे हैं, जिस दिन ये खुलेगा ना उस दिन बड़ा मजा आएगा ना, जल्दी खुलने वाला है। फिर हमें दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा ना खाना खाने के लिए। बहुत कम मिलती है इंडिया की चीजें ना, कुछ अभी मिल जाएगा। अभी तैयारी हो रहा है, अभी खाना तो अच्छा मिलता है, बट इनके स्टाइल का मिलता है, हमारे स्टाइल का हम। एक्चुअली क्या है कि वो दूसरा है आपका, कॉन्टिनेंटल है, तो कॉन्टिनेंटल में हमें मजा आता नहीं है। तो ये है लाकोट टक्साना, अगर कभी आप आना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी लोकेशन है यहाँ पे बैठने के लिए। हमारे इंडिया में क्यों नहीं देता गॉड भाई, साउथ सूडान में क्यों देता है गॉड? वीनू कहता है ये डिफरेंस है हमारे और तेरे बच्चों में, हमारे बच्चे पिज्जा खाते हैं, तू ब्रेड खाता है। तो वो बोलता है वो क्या चीज है, वो भी कहता सेम ही है। ये कल परसों भी पटा
पटा रहा था, हम लोग सुपरमार्केट में गए थे एक, वहाँ पे उसको भी पटा रहा था कि शादी कर ले, और इसने अगर हाँ करती तो उसी टाइम शादी कर लेनी थी। सही बात है, क्योंकि गाय तैयार पड़ी है इसके पास करती है, 20 गाय तो बिल्कुल तैयार, गाय तो हमेशा होती है ना इनके पास। सो गाइस, हम लोग अब आ गए एक नई जगह के ऊपर और बहुत ही प्यारी जगह है। मैं आपको इनके मेन्यू से रूबरू कराता हूँ किस तरह का इनका मेन्यू है। इनका मेन्यू है और ये इनका रेस्टोरेंट का नाम है रेंडिजियस रेस्टोरेंट एंड पब, और ये इरिटियन एम्बेसी के बिल्कुल नज़दीक में है जहाँ पे इन्होंने खोला है इनका। हाय मलाकाल, ओके। विनू बता रहा है कि हाय मलाकाल एरिया है इसको बोलते हैं, और ये इनके मेन्यू है। फूड मेन्यू मैं आपको दिखा दूँ, इसमें सब आपको जो है इंडियन फूड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मेन्यू भी बनाया हुआ है, और मेरे ख्याल से तकरीबन हर तरह की डिशेस इनके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और बाहर का व्यू जो है, हम इस टाइम बैठे हैं 6th फ्लोर के ऊपर और तकरीबन सारा जुबा यहाँ से नज़र आता है। देखिए, आप कहीं भी नज़र मारेंगे बिकॉज ग्लासेस का इन्होंने बहुत यूज़ किया हुआ है ताकि पूरा का पूरा यहाँ से व्यू नज़र आए जब आप खाना वगैरह खा रहे हैं। और सीधा अगर हम जाएंगे तो कोने कोने चले जाते हैं, और ये सामने जो आपको नज़र आ रही बिल्डिंग, इसके आगे जो है इरिटियन एम्बेसी है। सो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से अगर आप रेस्टोरेंट का देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया किया गया है, बहुत बढ़िया सोफ़ाज लगे हुए हैं, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। एसीज का काफ़ी अच्छा है। कैसा लग रहा है नीता? खाना खाने के बाद फिर रिव्यू देखते हैं कि कैसा होता है। और मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार आए और यहाँ पे जरूर इसको विजिट करें, ट्राई करें इंडियन फूड वगैरह। सो गाइस, अभी हमने स्टार्ट किया है अपना चिली चिकन से स्टार्टर्स जो है। शक्ल से तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने के बाद अनीता बताएगी बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चिली चिकन। और अच्छा, इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, जैसी जगह में अगर ये मिल रहा तो इसका मतलब बहुत अच्छा, अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द शेफ। चलिए, और विनू सही है, सब बढ़िया लगा। आज तक जितना जुबा में हमने चिली चिकन खाया है, वन ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट है। चलो, वेरी नाइस। फाइनली अपना खाना भी आ गया है। ये हमने एक ऑर्डर किया था चिकन टिक्का मसाला, गार्लिक नान और चीज़ नान, सॉरी चिली नान। सो देखते हैं टेस्ट करके इसको कैसा है, और फिर बाद में आपको बताते हैं इसका रिव्यू क्या है। देखने में तो बड़ा स्पाइसी से लग रहा है और यम्मी सा लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट इज़। ठीक है। सो गाइस, हमने खाना भी खाया, बढ़िया खाना मिला हमारे को यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी भी काफ़ी थी, नान भी बहुत बढ़िया थे, चिकन भी बहुत बढ़िया था। तो मैं तो एक बार रिकमेंड करूँगा सभी को जो भी यहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार ज़रूर आके यहाँ पर ट्राई करें और इसका खाने का लुत्फ़ उठाएँ। सो फ्रेंड्स, बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, ये इनका डेडिकेटेड बार है। तो इवनिंग में कभी आप आएंगे तो ये एक्चुअली काफ़ी शाम हो जाती है तो बड़ा अच्छा होता है यहाँ बैठने को। और व्यू तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ अंदर से किस तरह का है। ये दूसरी साइड का व्यू है यहाँ है, ऑलमोस्ट सारा जुबा यहाँ से नज़र आता है आपको। आप किसी भी साइड नज़र मारेंगे तो पूरा का पूरा जुबा नज़र आता है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है। सो जब आप एंटर करते हैं यहाँ से, सो इन्होंने चेयर्स वगैरह भी यहाँ पे लगाई हुई हैं जैसे हमारे इंडिया में शादी वगैरह में होती हैं, बहुत ही बढ़िया चेयर्स वगैरह हैं। सो रेंडिजियस रूफटॉप पब एंड डाइनिंग। सो गाइस, फाइनली अब निकल रहे हैं घर की तरफ। आज का सफ़र अच्छा रहा और एक नई जगह हमने देखी यहाँ पे, रेंडिजियस रेस्टोरेंट एंड बार। तो प्रोनाउंस करना दूसरी बार, रेंडिजियस नहीं आएगा, थोड़ा अजीब सा नाम है बट इट्स अ गुड नेम। और बढ़िया हम लोग का आज अच्छा रहा यहाँ पे। सो आप भी आइए, कभी एंजॉय करिए यहाँ का खाना, और इंडिया से स्पेशल आइए। हाँ, जुबा में हमारी तरह मजे कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी एक अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक प्लीज, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए ठीक है, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।